सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, सतमाला माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए सतमाला माउंटेन रेंज जो है ये आपके कौन से राज्य में है। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ, है ना। चलिए बताइए सातमाला माउंटेन रेंज कौन से राज्य में है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में आपका नाशिक, ठीक है, नाशिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जो है वो वायरस के कारण नहीं होता है। इसमें तीन बीमारी जो है वो वायरस के कारण होते हैं, लेकिन कोई एक बीमारी जो है वो वायरस के कारण से नहीं होता है। तो देखिए एड्स वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वायरस के कारण, लेकिन कोलेरा जो है ये आपका होता है किसके कारण से, बैक्टीरिया की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ब्रेकबोन फीवर मोस्टली कॉमनली नोन एज? देखिए ब्रेकबोन फीवर को मोस्ट कॉमनली किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो देखिए ब्रेकबोन फीवर को जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, डेंगू। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन किनके द्वारा इन्वेंट किया गया बताइए। सो द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन इज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो जो है वो किसकी वजह से होता है बताइए। सो पोलियो इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट अदर नेम इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल नोन एज? देखिए एलुवियल सॉइल दो टाइप्स के होते हैं, एक न्यू एलुवियल सॉइल और एक ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग नेम होता है, तो बताइए ओल्ड एलुवियल सॉइल का क्या नाम है बताइए। तो देखिए ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है इसको हम ऑप्शन नंबर ए, बंगर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड पता है आपको तो भाई न्यू भी पता होना चाहिए, तो बताइए बाय व्हाट अदर नेम द न्यू एलुवियल सॉइल नोन? तो देखिए ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम बंगर के नाम से जानते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को ऑप्शन नंबर बी, खदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड? नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड? अभी हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को प्रेयर के नाम से जाना जाता है, तो इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से ग्रासलैंड्स को जाना जाता है बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डाउन्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ऑन द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई थी बताइए। तो देखिए जो टॉप प्रायोरिटी दी गई थी ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान जवाहर रोजगार योजना लॉन्च? बताइए कौन से पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज? बताइए 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय, मतलब 5वां पंचवर्षीय योजना का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए बेसिकली जो 5th 5-year प्लान था इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी को हटाने का। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? बताइए फंडामेंटल राइट दैट मीन्स मौलिक अधिकार को कौन से देश के संविधान से बोरो किया गया है, मतलब लिया गया है। ये आपके यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया गया है फंडामेंटल राइट्स।
अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सिस्टम आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अब बताइए कैबिनेट सिस्टम को कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये अपॉइंट किए जाते हैं बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 164 के तहत जो है अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारकुला डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बताइए चारकुला डांस फॉर्म का संबंध कौन से राज्य से है। सो चारकुला डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। बताइए बैम्बू कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। आप मुझे कमेंट में मिजोरम की कैपिटल बता दो और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्के टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए बक्के टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है आपके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। बताइए बाट जो है ये कौन से देश की मुद्रा है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, जिसकी कैपिटल क्या होती है भाई, बैंकॉक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द वॉर ऑफ सिंध टेक प्लेस। बताइए सिंध का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए सिंध का युद्ध जो हुआ था इन द ईयर 712 AD, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो को इंपेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।